मेरा भाई जेल में है हु? मेरे भाई को जेल में भेज दिया गया और तुम देखते रहे। लेकिन उसमें मैं और कर भी क्या सकता। जेलर ने तुम्हारे भाई को कत्ल करते वक्त खुद की आंखों से देखा था और उसने अदालत में वैसी गवाही भी दी। और एक बार जेलर के नजरों में मुजरिम आ जाए तो उसका बचना नामुमकिन होता है। जेलर कौन है? जेलर सिद्धांत, सिद्धांत कुमार। मैं उससे मिलना चाहता हूं। भैया भैया मुझे बचा लो, इस जेलर ने मेरे को बहुत मारा है। नहीं विक्की, तुम परेशान मत हो, तुम्हारी ये हालत करने वालों को मैं बाद में देखूंगा। लेकिन कल सूरज डूबने से पहले तुम जेल से बाहर होगे, चाहे उसके लिए मुझे ये जमीन आसमान एक करना पड़े। इसके लिए बाहर जाने का हर रास्ता बंद हो चुका है, अब सिर्फ एक रास्ता बाकी है जो हर खूनी को फांसी के फंदे तक ले जाता है। तो तुम ही हो वो जेलर जिसने मेरे भाई को पकड़ा था? बेकार में इतनी तकलीफ की। बोलो, मेरे भाई को छोड़ने के लिए कितने रुपए चाहिए? सोच क्या रहे हो? जो मांगना हो मांग लो, मैं अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकता हूं। तो जाओ किसी मंदिर में जाकर उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि दुनिया की सारी दौलत भी इस जेलर को खरीद नहीं सकती। जेलर, आग में इतना घी मत डालो कि तुम भी जल जाओ। चीता में आग लगाने वाले जलने से नहीं डरते। अब तुम्हारे भाई की चिता तैयार हो रही है। किसकी चिता कब चलेगी यह तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन आज इतना जान लो कि कल सूरज डूबने से पहले मेरा भाई इस जेल से बाहर होगा। तुम रोक सको तो रोक के देख लेना। आ, 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 आ। जाने से पहले इतना जान लीजिए मिस्टर अंकुश राज, ये तुम्हारे पास जितनी अकल, जितनी चालाकी, जितनी ताकत है सब लगा ले, फिर भी ये तुम्हारा भाई कल रात यही मिलेगा। और ये मेरा चैलेंज है जेलर, और अगर मैं इसे कल निकाल ले गया तो ये सिद्धांत कुमार शर्मा ये जेलर की वर्दी हमेशा के लिए उतार देगा। हेलो सर, अभी इन्फॉर्मेशन मिली है कि अंकुश राज अपने भाई को पेरोल पर छुड़ा रहा है। लेकिन देखना कि ये बात रमेश तक नहीं पहुंच। ओके सर। जेलर, मेरा भाई मेरे लिए पेरोल ऑर्डर ला रहा है, तुम मुझे कहां ले जा रहे हो? तुझे ऐसी जगह ले जा रहा हूं जहां पेरोल तो क्या कोई नहीं छुड़ा सकता। हाँ।
जेल पड़ने के जुर्म में गिरफ्तार कर लो इसे। मुंह क्या देख रहे हो? ये लीजिए जेलर, विक्की को पैरोल पर छोड़ने का ऑर्डर। और अभी सूरज डूबने में पूरे 2 घंटे बाकी हैं। अब आप विक्की को छोड़ेंगे या फिर अपनी भर्ती उतारेंगे? ये पैरोल का ऑर्डर उसके पिछले अपराध के लिए दिया है, लेकिन आज उसने एक और अपराध किया है जेल से भागने का, जो इस ऑर्डर में शामिल नहीं है, इसीलिए वो इसी जेल में रहेगा। वैसे सूरज डूबने में अभी भी 2 घंटे बाकी है, कुछ करना चाहते हो तो कर लो। जरूर करूंगा, और सारी दुनिया देखेगी कि अंकुश राज क्या कर सकता है। मैं तुझसे अपने भाई की हर चीख हर आंसू का हिसाब लूंगा। जिस तरह तू मुझे तड़पा रहा है, उसी तरह तू भी तड़पेगा, खून के आंसू रोएगा और कुछ नहीं कर सकेगा, कुछ नहीं कर सकेगा। आओ। जा जा मैं जाता हूँ, वहां कोई रहता ही नहीं है। यहाँ तो बहुत मालूम है, कहाँ से शुरू करूँ? हाँ यार, कहीं से भी शुरू कर ले, अपना ही माल है राजा। नो मैन। हाँ मैं क्यों, अनारकली चाहिए क्या? है अनारकली, बोल बसंती। ये भगवान, मैं कहाँ आके फंस गया, माफ कर मेरी माँ गलती। हाँ यार मेरे राजा, कहाँ चला, और भी चाहिए? नहीं नहीं बस बस बस। ये अनारकली, इसका क्या करना री, इससे तो मैं शादी करूंगी। तेरे को शर्म नहीं आती? आए हाय, तेरे को शर्म नहीं आती हमारे घर में डाका डालते हुए? मैं तो छोटा मोटा चोर हूँ, लेकिन आप तो दिन दहाड़े सिग्नल पे गाड़ियां रोककर शरीफों को लूटती हो, वो क्या कम है क्या? ए अनारकली, ये मुंह क्या बोल रहा, देख। मेरी माँ, अगर मैंने कोई गलत बोल दिया तो मुझे माफ करना, अब मैं जाऊँ? ये मेरे राजा, खूब धंधा चले। मन के है जड़ा चली, प्यारी दुल्हनिया चली, लौटने आया था मैं अब तो लुट के चली। मन के है जड़ा मैं प्यारी दुल्हनिया चली। रिया तुम भाभी से मिलो तो सुनो। भाभी भाभी, क्या है अमर? नमस्ते, ये कौन है? भाभी ये वही वही कौन अमर? वही भाभी, मैंने आपसे बात तो की थी ना कि वो मेरी वो समझ गई, तो ये प्यार का मुकदमा है, कहीं भैया के पुलिस स्टेशन में ना चला जाए, इसलिए भाभी के कोर्ट में लाया गया है। हुँ? सुनो, तुमसे जो पूछा जाए उसका सीधा सीधा जवाब देना। मगर भाभी, बीच में बोलना कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट है, जब तुम्हारी बारी आएगी तब जवाब देना। तुम्हारा नाम प्रिया? तुम अमर से प्यार करती हो? जी हाँ, इसीलिए तो। जितना सवाल पूछा जाए उतना ही जवाब दो। तुम दोनों के पेरेंट्स इस बात को जानते हो? नहीं। अगर उन्होंने तुम दोनों की शादी से इनकार कर दिया तो तुम क्या करोगी? तो फिर हम बगावत कर देंगे भाभी। अब अमर, तुमसे सवाल नहीं पूछा गया। सॉरी मिलॉर्ड। तुम बोलो। जी वही जो अमर ने कहा, बगावत। कोर्ट में बगावत नहीं, अपील की जाती है। डोंट वरी, तुम दोनों के प्यार की खातिर हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। इसका मतलब कि इस कोर्ट में हम जीत गए? हाँ, मैरिज ग्रांटेड। हबीब,
मैं जरा प्रिया को घर छोड़ कर आता हूँ। चलो कैसी थी वकील साहिबा? रोको रोको, भाभी किसकी थी? जेलर का भाई, मेरी बेटी के साथ। ओ। चलो ड्राइवर। आई एम सॉरी मिस्टर शर्मा, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आपको अपनी इज्जत का एहसास नहीं है क्या? सोचता है आपका भाई आप पुलिस में है इसलिए उसकी सारी गलतियों को नजरअंदाज कर दिया जाएगा? भाई वाह 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 वाह, बड़े ऊंचे विचार हैं जेलर साहब आपके, बड़ी प्रसन्नता हुई आपसे मिलके। आपकी तारीफ? मेरी तारीफ? मेरी तारीफ सुन के क्या करेंगे आप? तारीफ अपने भाई की सुनिए जो रोमियो बनकर सड़क पर शरीफ लड़कियों को छेड़ता फिरता है, आना जाना हराम कर दिया उनका। क्या कह रहे हैं आप? सही कह रहा हूँ मैं, आपका भाई मेरी बेटी में डोले डाल रहा है, उसे अपने प्रेम जाल में फंसाकर मेरी करोड़ों की दौलत हड़पना चाहता है वो। क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास नहीं, सही कह रहा हूँ। अरे पैसा कमाना है तो मेहनत करके कमाओ, शराफत की जिंदगी जियो, दूसरे की हराम की कमाई खाओ, क्या यही सिखाया आपने अपने भाई? बस बस, आप जाइए, मैं देखता हूँ। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, आज तक किसी की हिम्मत नहीं थी कि मेरे सामने ऊंची आवाज में बात कर सके, लेकिन आज मेरे ही दफ्तर में एक मामूली इंसान ने सबके सामने मुझे जलील किया। उसने आरोप लगाया कि मेरे पास अपनी बहनों की शादी कराने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें भेजा कि जाओ किसी मालदार लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उससे शादी करो, उस इकलौती बेटी के बाप की दौलत हासिल करो जिससे सिद्धांत कुमार शर्मा अपनी बहनों की शादी करा सके। वाह भाई वाह, बहुत बड़ा काम किया है तुमने। इतने सालों से जो इज्जत मैंने बनाई थी आज उसे खाक में मिला दी तुमने। अरे पैसों की इतनी जरूरत थी तो मुझे बोलता, मैं ये घर बार बेचकर तुझे पैसे ला कर देता, लेकिन पैसों के लिए प्यार करना, एक मालदार लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाना, छी छी। अब चुप भी कीजिए, जो मुंह में आ रहा है बोलते जा रहे हैं आप, और अमर तुम चुपचाप खड़े सुन क्यों रहे हो? जवाब क्यों नहीं देते अपने भाई को? सच क्या है, कह क्यों नहीं देते तुम? क्या जवाब तुम्हें भाभी, क्या बताऊं मैं, कौन मानेगा मेरी बात? अरे भाभी मैं तो एक खोटा सिक्का हूं, बेकार बदमाश आवारा, पैसों के लिए प्यार करने वाला, दौलत के लिए एक मालदार लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाने वाला। अरे भाभी कौन करेगा मेरी बात पर विश्वास? अरे इनके लिए तो वही सच है जो उस लड़की के बाप ने इनसे कह दिया, इनसे कह दिया कि मैं बुरा हूं और मेरा भाई मान गया। आते ही बरस पड़े मुझ पर, सारे आरोप लगा दिए इन्होंने मुझ पर। अभी ये भी नहीं पूछा कि क्या सही है या गलत, लेकिन जब एक बड़ा भाई एक छोटे भाई को गालियां देने लगे तब एक छोटा भाई सिवाय चुप रहने के अब कुछ नहीं कर सकता। अमर नहीं भाभी, मुझे कोई सफाई नहीं दे रही, मुझे कोई सफाई नहीं दे रही। अमर तुम अमर के बारे में हमेशा ऐसा क्यों सोचते हो? तुम सच जानना चाहते हो तो सुनो, अमर ने किसी लड़की को नहीं फंसाया है, मोहब्बत की पहली पहल उस लड़की ने की थी, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। अब जाकर उस सेठ से कह देना हम थूकते हैं उसकी दौलत पर, हमें उसकी एक कौड़ी भी नहीं चाहिए। घर में इतना सब कुछ हो जाता है और मुझे कोई कुछ नहीं बताता, आखिर वो मेरा भाई है, कोई पराया तो नहीं? लड़की कैसी है, तुम्हें पसंद है? बहुत अच्छी है। उन दोनों की शादी मैं करवाऊंगा, आखिर मैं बड़ा भाई हूं।